हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक की तरफ से मल्टीपल अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, जिसमें से कुछ आपकी रिमोट होने वाली है, ठीक है, कुछ आपकी वर्क फ्रॉम होम, कुछ आपकी रिमोट वर्क फ्रॉम होम ऑलमोस्ट सेम ही होगी, ठीक है, कुछ आपकी वर्क फ्रॉम ऑफिस, कुछ हाइब्रिड, ठीक है। तो ये आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर न्यू हो और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार की वीडियो रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ऑलरेडी हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो अवेलेबल, अभी रिसेंटली तो हम मोस्टली ऑफ कैंपस हायरिंग ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, जो रिमोट होती है या वर्क फ्रॉम होम होती है, वर्क फ्रॉम ऑफिस होती है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट पर जाके आप अपनी आवश्यकता के अनुसार देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर बिना कोई समय गवाए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो एक्सिस बैंक की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ कितनी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस लेवल आपको जितना भी है, मान लो आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ पे आपने सर्च करना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी, देखो कितनी सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि अपॉर्चुनिटी तो है नहीं, अगर मान लो आपको एक ईयर का भी एक्सपीरियंस है तब भी इसमें से कुछ फिल्टर आउट होके आ जाएंगी, ठीक है। ये वाली तो ज़रूर आई क्योंकि यहाँ पर भी वन ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, देख सकते हो, तो ठीक है उसके अकॉर्डिंग आ चुकी है। और उसके अलावा अगर हम करते हैं कि हाँ हमें रिमोट अपॉर्चुनिटी देखनी है, तो आपने बैक नहीं, मैं आपको लोकेशन वो कर दूंगा, देख सकते हो, ये आपकी टोटली रिमोट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ये होने वाली ह्यूमन रिसोर्स टैलेंट इक्वाइजेशन, और यहाँ पर रोल लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। बाकी व्यू ऑल रोल पर अगर आप क्लिक करते हो, तो जैसे मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आप फिल्टर आउट करके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लोकेशन भी है, तो मान लो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, उसके अलावा आप क्योंकि लोकेशन पे थोड़ी जा समझ सकते हो ना कि कम ही होती, जो थोड़ी हाइट वो हब वगैरह होता है वहाँ पे लोकेशन आपको ज़्यादा दिखेगी, अहमदाबाद हो गया जहाँ पे इनकी मेन ब्रांच होगी, मुंबई वगैरह हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो दिल्ली में 16 है, नोएडा में 42 है, तो इस तरह से आपको जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं या स्टेट हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।